हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने नोज के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी, हम लोगों ने फेरिंग्स की स्ट्रक्चर पढ़ी, हम लोगों ने लैरिंग्स की स्ट्रक्चर पढ़ी, एंड देन जो हमारा आज जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेकिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। अब ये जो ट्रेकिया है, ये लास्ट पाथ है कहां तक पहुंचने के लिए, लंग्स तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे आपको ट्रेकिया बना हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विंड पाइप, जो हवा को या जो ओटो को लेके जाने का काम कर रही है, इसको विंड पाइप बोल सकते हैं। ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ। उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सी शेप्ड हाइलिंग कार्टिलेज के छल्ले उपस्थित होते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सी शेप्ड यहाँ पे कार्टिलेज छल्ले है, वो प्रेजेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ट्रेकिया की मैंने एक अलग डायग्राम बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि ट्रेकिया कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से आगे जाके ये डिवाइड हो रहा है। ये लैरिंग्स वाले पोर्शन से शुरू होते हैं और इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 टू 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 टू 12 सेंटीमीटर। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ आगे जाके ये नेक वाले पोर्शन से शुरू हो रहा है, जैसे कि कल मैंने आपको लैरिंग्स के बारे में बताया था कि लैरिंग्स C3 और C4 वर्टिब्रे पर पाई जाती है। उसके आगे हम यदि बात करें कि ये आगे चलते हुए कहाँ तक पहुंच जाएगी? हमारे थोरेसिक एरिया से नेक से शुरू होगी और थोरेसिक एरिया पे पहुंच जाएगी। अब थोरेसिक एरिया में पहुंचने के बाद जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, वहां से क्या हो जाएगी? ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अब इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो सबसे पहला डिवाइडेशन होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनी। आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा जो हिंदी में पढ़ रहे हैं। ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनी। तो प्राइमरी का मींस रहेगा प्राथमिक। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे इसके और ब्रांचेस होनी शुरू होती है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड देन इसके और ब्रांचेस स्टार्ट हो जाए तो वो टर्शियरी ब्रोंकाई, तृतीयक श्वसनी। अब तृतीयक श्वसनी आगे जाके और सब ब्रांचेस में डिवाइड हुई। अब उन सब ब्रांचेस को क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स, श्वसनिका। ब्रोंक्यूल्स, श्वसनिका। अब ब्रोंक्यूल्स में उसी टाइप से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकती है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट ब्रोंक्यूल्स को लिख दिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो सबसे लास्ट ब्रोंक्यूल्स है, जिसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल का मतलब होता है कि अंतस्थ, लास्ट जो है, ठीक है। उसके आगे जो डक्ट शुरू हुई हो गया एल्वोलर डक्ट, उसके बाद में यहाँ पे जो शेक बने हुए हैं, जो कोश बने हुए हैं, वो है एल्वोलर शेक, एंड यहाँ पे जो सबसे लास्ट पाई जा रही है वो है एल्वोली। अब ये हमारे कुपिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कुपिका। हम बोले कि लंग्स की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? एल्वोली है ये। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, मैंने दो जोन लिख रखे हैं, एक तो कंडक्टिंग जोन और एक एक्सचेंज जोन। अब ये जो ऊपर का जो हम लोगों ने नोज से लेके ब्रोंकियल्स तक पढ़ते हैं, तो वहां तक क्या है कि सिर्फ ओटो को लेके आने का काम और सीओटो को लेके जाने का काम। यहाँ पे जो है एक्सचेंज वाला, तो यहाँ पे ये यहाँ से कुपिका से ओटो है वो ब्लड में मिक्स होगी और वहां से जो CO2 थी वो वापस यहाँ कुपिका को मिल जाएगी। तो ये वाला यहाँ पे ट्रेकिया का मैंने हल्का सा डायग्राम आपको समझा दिया। उसके बाद बात करेंगे ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हिस्टोलॉजी क्या होती है? उसके टिश्यू का टिश्यू की स्टडी। तो यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी है इसमें चार है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सी शेप कार्टिलेजेस रिंग और ट्यूनिका एडवेंटिका। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ये चार नाम याद करने पड़ेंगे, जो हम लोग और हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे और ऑर्गन्स की, वहाँ इनकी डीपली स्टडी है। बाकी यहाँ पे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और यदि पूछा जाए तो आपको सिर्फ इनके चारों लेयर्स के नाम ध्यान में रखने हैं। तो आप लोग ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के साथ में ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के साथ में ही ब्रोंक्यूल्स है, इनकी स्टडी आप कर लीजिएगा। और कुपिका का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए।